बता दें कि मध्य प्रदेश आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की चौथी लिस्ट जारी हो चुकी है। 57 नामों का इस बार ऐलान किया गया है। दतिया से नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि नरोत्तम मिश्रा फिलहाल गृहमंत्री है। इसके अलावा ग्वालियर से प्रद्युमन सिंह तोमर को टिकट मिला है। वहीं नरेला से मौजूदा मंत्री विश्वास सारंग को टिकट दिया गया है, उन्हीं पर इस बार भी भरोसा जताया गया है। और बड़ी खबर, बुधनी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी बीजेपी ने मैदान में उतार दिया है। ग्वालियर से ग्रामीण से भरत सिंह कुशवाहा को टिकट मिला है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी भोपाल से तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, देखिए किस प्रकार से बीजेपी ने मौजूदा 24 मंत्रियों को मैदान में उतारा है। और ग्वालियर ग्रामीण से भरत सिंह कुशवाहा को टिकट मिला है। पन्ना से ब्रजेंद्र सिंह प्रताप को टिकट मिला है। और इसके अलावा रीवा से राजेंद्र शुक्ल को टिकट मिला है। वहीं अनूपपुर से बिसाहूलाल साहू को टिकट मिला है। तो बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं। और बता दें कि जबलपुर छावनी से अशोक रोहाणी को भी टिकट मिला है। बीजेपी ने 57 नामों का ऐलान किया है। और साथ ही से प्रभुराम चौधरी को टिकट मिला है। प्रभुराम चौधरी फिलहाल मंत्री है मध्य प्रदेश शासन में। सिरौंज से उमाकांत वर्मा को टिकट मिला है। उमाकांत पर भरोसा जताया है बीजेपी ने। गोविंदपुरा से कृष्णा गौर को टिकट मिला है। और बता दें कि सीहोर से सुदेश राय को टिकट मिला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश से, देवास से गायत्री राजे पवार को टिकट मिला है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चंद्र सिंह सीहोर से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। चंद्र, जिस प्रकार से लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, खासतौर पर सीहोर जिले की वो सीटें जो हॉट सीट मानी जाती है, बुधनी सीट पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो है नाम का ऐलान हो चुका है। और माना ये भी जा रहा था कि कहीं ना कहीं सीएम शिवराज को बीजेपी चुनावी मैदान में नहीं उतारेगी, क्या कुछ कहेंगे आप? मनीष, बताना चाहूंगा कि सीहोर जिले की तीन विधानसभा सीटों के टिकट बीजेपी ने घोषित किए हैं, जिसमें कि सबसे मुख्य विधानसभा सीट जो बुधनी है, जिसमें कि चार बार के विधायक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, उनको टिकट दिया गया है। वहीं अगर बात करें इछावर विधानसभा सीट की, तो उसमें इछावर विधानसभा के जो वर्तमान विधायक है करण सिंह वर्मा, जो कि 9 बार से विधायक है इछावर विधानसभा के, उनको भी बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। और सीहोर की अगर बात करें तो सीहोर भी जो टिकट दिया गया है सुदेश राय को दिया गया है, जो कि पहले से 2 बार के विधायक है, तीसरी बार उनको फिर भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है। तो सुदेश, कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि जो मौजूदा विधायक है बीजेपी और संगठन ने उन्हीं पर भरोसा जताया है, उन्हीं को फिर से चुनावी मैदान में उतारा है, क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बार, क्या कुछ राजनीतिक समीकरण है? चंद्र जी, सदस्य, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बुधनी विधानसभा क्षेत्र जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का क्षेत्र है, यहाँ से वो तो जीत जाएंगे, लेकिन जो इछावर सीहोर जिले की जो तीन और विधानसभा सीट है, इछावर, आष्टा और सीहोर, जिसमें अगर सीहोर की अगर बात करें तो सीहोर में सुदेश राय को इस बार चांस बहुत कम है जीतने की, क्योंकि कारण यह है कि बीजेपी से एक और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो टिकट मांग रहे थे, उनको टिकट नहीं दिया गया, वो बार बार, तो वो निर्दलीय लड़ेंगे। और सामने कांग्रेस से पूर्व विधायक रमेश सक्सेना के लड़के उम्मीदवार होंगे, इसलिए सीहोर वाली सीट बीजेपी को मिलना मुश्किल है। वहीं अगर इछावर की बात करें तो इछावर से भी पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल को मिलने का चांस है। और दूसरा ये कि करण सिंह वर्मा जो 9 बार के विधायक है, लेकिन क्षेत्र में उन्होंने काम नहीं किया, सिर्फ जातिवाद के कारण वो चुनाव जीतते थे। उनके सामने जो विधायक कांग्रेस से होंगे वो भी खाती समाज से आते, इसलिए हो सकता है कि इस बार फिर शैलेंद्र पटेल इछावर से चुनाव जीते। और आष्टा का अभी बीजेपी ने क्लियर नहीं किया है कि किसको टिकट दिया जाए। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि जो सीहोर की जो बाकी सीटें हैं, इछावर हो चाहे दूसरी सीहोर हो, वहां पर कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी बन रही है, शायद पार्टी को इससे नुकसान भी हो। बिल्कुल, सीहोर की 4 सीटों में से 3 पर नुकसान होगा, बराबर होगा, क्योंकि क्षेत्र की जनता परेशान है। जिन वादों के साथ सरकार 18 साल से काम कर रही थी, उन वादों के हिसाब से उन 3 सीटों पर काम नहीं हुआ। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए चंद्र जी आपका बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी की चौथी लिस्ट जारी हो चुकी है। दतिया से गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को ही चुनाव में मैदान में उतारा है। इसके अलावा ग्वालियर से प्रद्युमन सिंह तोमर को उम्मीदवार बनाया है।
और नरेला से मौजूदा मंत्री विश्वास सारंग को उम्मीदवार बनाया है, वही अब चुनाव लड़ेंगे नरेला से। इसके अलावा बात करें बुधनी से, तो बुधनी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद चुनावी मैदान में उतरेंगे। बुधनी से शिवराज सिंह चौहान को टिकट मिला है। ग्वालियर ग्रामीण से भरत सिंह कुशवाहा को टिकट मिला है। इसके अलावा 24 ऐसे मंत्री हैं मौजूदा मंत्री जिनको टिकट मिला है। पन्ना से बृजेंद्र प्रताप सिंह को टिकट मिला है।